यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर जो कि बोनस शेयर देने जा रहा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बात करता हूं, बोनस शेयर लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट करता है, कंपाउंडिंग में बेनिफिट करता है, साथ साथ शेयर प्राइस कम होने से जो एक साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होता है शेयर प्राइस में, वो काफ़ी तेजी से होता है। तो इसलिए ये एजुकेशनल पर्पज के लिए मात्र एक वीडियो है, एक इन्फॉर्मेशन के लिए सिर्फ ये वीडियो है। कभी भी मैं बोनस शेयर के आधार पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि बोनस शेयर के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, हमेशा ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना है। बोनस शेयर आपको खुद ब खुद मिलेंगे जिस शेयर में आप इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जब बात करें तो CSL फाइनेंस है, मात्र देखिए मार्केट कैप 256 करोड़ का है, तो बहुत ही छोटी कंपनी है और ये कंपनी बोनस शेयर देने जा रही है। करेंट प्राइस 415 रुपीज़ के आसपास का है। साथ ही बात करें तो ये कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, 0.20 का डिविडेंड यील्ड है। और बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग 57.4% का है, डेट टू इक्विटी 0.33 है, काफ़ी कम डेट है कंपनी के ऊपर, और टोटल डेट 84 करोड़ का है, जबकि नेट प्रॉफिट 27 करोड़ का है, और रिजर्व की बात करें 253 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 13.8% अच्छा खासा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.2%, क्योंकि कंपनी अभी काफ़ी छोटी है, जब तक कंपनी अपने आपको इंप्रूव नहीं करती, अपने बिजनेस में वेल एस्टेब्लिश नहीं कर जाती, तब तक आपको इस तरह थोड़े बहुत कम देखने मिलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड और रिटर्न ऑन इक्विटी। वहीं पर शेयर प्राइस के चार्ट की बात करें, देखिए काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, जो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिरावट में इन्वेस्ट किए। देखिए फंडामेंटली जब इतने स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है और माइक्रो कैप है, तो जब आप काफ़ी ज़्यादा गिरावट में इन्वेस्ट करेंगे, तो यहाँ से जब स्टॉक देखिए यहाँ पर 25 रुपीज़ से चला, तो ये यहाँ पर हाई बनाया 790 रुपीज़ का, तो कितना का आपको 30 टाइम्स का रिटर्न मिला। तो ये होता है माइक्रो कैप स्टॉक्स, अगर आप अच्छे प्राइस लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक को, अगर गिरावट मिलता वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न देता है। लेकिन दोस्तों याद रहे, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होता है, कई सारे आप स्टॉक इन्वेस्ट करेंगे, 4-5 उसमें से आपको एक ही स्टॉक चलेंगे, लेकिन जब चलेंगे तो अच्छा खासा आपका वहाँ से रिटर्न वो क्रिएट करके देगा। तो इस स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करें, गिरावट में आपको इन्वेस्ट करना है। देखिए ये स्टॉक यहाँ पर 2020 में गिरावट में 150 रुपीज़ के आसपास था, वहाँ से 420 रुपीज़ का हाई लगा चुका है। और यहाँ पर बात करें इसके बोनस शेयर का, तो यहाँ पर आपको जाना है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन पर जाना है, तो यहाँ पर आप बोनस शेयर को देख सकते हैं कि 9 अगस्त इसका एक्स बोनस डेट है, और बोनस जो मिलेगा 2:1 के रेशियो में, मतलब एक शेयर पे 2 शेयर फ्री आपको मिलने वाले हैं। अगर आपके पास 5 शेयर है तो 10 मिलेंगे, 100 शेयर है तो 200 आपको मिलेंगे फ्री में, अगर आपके पास 1000 है 2000 शेयर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का इसका बोनस का रेशियो है। तो अगर आप पहले से इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टेड है, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन शेयर है और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को, और काफ़ी बेहतरीन इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट देखेगा काफ़ी सॉलिड है। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में देखें तो देखिए लॉन्ग टर्म में 2010 में मात्र 7 करोड़ का प्रॉफिट था और बढ़ करके हो गया 28 करोड़ का। वहीं बात करें यहाँ पर तो सेल्स कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ है खास। देखिए 46 करोड़ का था 2010 में, तो 62 करोड़ पर पहुंचा है, सेल्स कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जंप देखने मिला है। उसका कारण है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि यहां बढ़कर के 20% से बढ़कर के 76% हो चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी गिरावट मिला तब इन्वेस्ट करना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।